हेलो एवरीवन, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें बोला है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने एग्जांपल नंबर 1 में बनाई थी उसको सॉल्व करना है। तो एग्जांपल नंबर 1 में ऑलरेडी अपनी वीडियो में बना चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियो में। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो करना क्या है, हमें सॉल्व करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो पहला स्टेप क्या होता है कि आपको फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना आएगा, 324 का 24 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब करना क्या आपको, अब आपको ऐसे दो नंबर्स लेने हैं, ऐसे कोई से भी दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये आए और प्लस या माइनस करने पे ये आ जाए। दो नंबर सब कहाँ से लोगे, इनके फैक्टर्स से ही लोगे। तो हम यहाँ पे बनाएंगे 324 के फैक्टर्स हमें लेने, लेकिन दो ही नंबर हैं, ठीक है, कोई भी दो नंबर। तो फैक्टर बनाएंगे, पहले 2 से बनाएंगे, 2 × 2 = 12, 2 × 16 = 2, 3 × 6 = 21, 3 × 9 = 3, 3 × 3 = 1, ठीक है। आप इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 324। तो हमें करना क्या है, ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके करके ये आ जाए। अब हम ऐसे लेंगे, अगर 2 × 4 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 27, सारे नंबर आ गए इसमें, 2 × 4 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 × 9 = 3, 27। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा हमारे पास, 324 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को ऐड करें, ठीक है, तो 39 आएगा, 39 आएगा। अगर माइनस करें तब भी नहीं आएगा ये 45, और प्लस करें तब भी 45 नहीं आएगा। मतलब हमें ये दो नंबर्स नहीं लेने हैं। तो आपको करना कि ट्राई करते रहना है ऐसे, किसे कौन से नंबर्स होंगे। अगर हम ऐसे लें, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81, तो कितना हो गया, 4 और 81, ठीक है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि सारे नंबर्स ही तो आएंगे, 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 3 × 3 = 81, 81 × 4 कितना होगा, 3 × 4 ही होगा। लेकिन अगर आप इसे ऐड करोगे तो कितना आएगा, 85। लेकिन हमें चाहिए क्या, 45। अगर आप माइनस भी करोगे तब भी 45 नहीं आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, ट्राई करते कोई नेक्स्ट नंबर। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12, ठीक है, इतना हो गया। अब 3 × 3 × 3 = 3 × 9, 9 × 3 = 27। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 3 × 4 आएगा। ऑफकोर्स 3 × 4 ही आएगा, क्योंकि हमने सारे नंबर्स को ले लिया है, ठीक है। देखो, 2 × 2 = 4, 4 × 12, हमने यहाँ तक के नंबर ले लिए यहाँ पे, और यहाँ तक के नंबर हमने यहाँ पे ले लिए। अगर हमको ऐड करें तो कितना आएगा, 7 × 9, नहीं तब भी नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, हम यहाँ से लेंगे 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, ठीक है। कितने बच गए अब नीचे, अब दो नंबर बच गए, 3 × 3 = 9। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 × 4 आएगा। अगर प्लस कर दे तो 9 × 6 = 15, 45, ये तो आ गया है ना। तो हमें ऐसे ट्राई करना है। तो स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप इसे प्रैक्टिस करते रहोगे आपको चीज़ सिंपल लगेंगी। तो कौन से दो नंबर से, वो 36 और 9, ठीक है। आप इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 4 आएगा, अगर आपसे प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 45, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, 45 कैसा आ रहा है, माइनस का आ रहा है ना, 45 कैसा आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे भी माइनस ले लें, देखो 45 तो माइनस का आ रहा है, लेकिन 3 × 4 आपका कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो हम ऐसा क्या करें कि ये प्लस का आए मल्टीप्लाई करने पे, और माइनस का आए प्लस का, कुछ करने पे। अगर हम इसको ऐसे लिख लें, माइनस का 36 और माइनस का 9, तो माइनस माइनस प्लस, तो 45 आ जाएगा।
अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस ऐड हो जाता है, ठीक है, मतलब साइन ऐड का आ जाता है। तो अब देखो आ गया ना, देखिए अब क्या है, एक्स है तो यहाँ भी एक्स ले लेंगे, यहाँ भी एक्स ले लेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, प्लस का 3 to 4 x square। तो एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, टेंशन मत लो, ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी थोड़ी सी। माइनस का 36x और माइनस का 9x, प्लस का 3 to 4, ठीक है, आए समझ में, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 45x। लेकिन अगर माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन भी पॉजिटिव का आता है, ठीक है। तो अब देखो एक्स कॉमन लेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पे x आ गया माइनस का 36। अब यहाँ से आप कॉमन लोगे, यहाँ से आप कॉमन ले लो माइनस का 9 कॉमन ले लो, तो कितना आएगा, अब देखो माइनस का 9 कॉमन लिया हमने, ऐसा क्यों लिया, अगर हम माइनस कॉमन नहीं लेते तो यहाँ पे x के साथ माइनस का आता, लेकिन हमने क्या किया था, यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट सेम होने चाहिए, इसलिए हमने माइनस कॉमन लिया है। अब देखो क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे x आएगा, ठीक है, अभी प्लस का नहीं, अभी माइनस का आया क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे इसको करेंगे तो 9 से 27, ठीक है, और 9 से 54, ठीक है। अब ब्रैकेट लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 36 और यहाँ पे x माइनस 9, ये सब इक्वल टू किसके, 0 के हैं। अब इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस 36 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x कितना हो गया 36 और यहाँ पे कितना आएगा, x इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज आई हैं 9 और 36। तो अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको मल्टीप्लाई करना x स्क्वायर से, तो कितना आएगा 750x square। तो इस टॉपिक में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे बने हैं, अगर आपको देखने तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई किया हमने फर्स्ट को लास्ट से, तो कितना आ रहा है 750x square। अब मैं ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये आ जाए और प्लस या माइनस करके ये बीच वाली मिडिल टर्म आ जाए, ठीक है। तो दो टर्म्स कहाँ से लेंगे, हम इसके फैक्टर्स से ही लेंगे, 750 इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 2 से जाएगा पहले, तो 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है, 3 1 3 3 2 6, 3 5 15, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 5 और 1, ठीक है। तो हमें करना है कि दो नंबर्स लेने हैं, तो इनमें से हमें क्या करना है, दो नंबर्स लेने हैं, इनमें से नहीं मतलब मल्टीप्लाई करके दो नंबर्स लेने हैं। और ऑफ कोर्स सी बात है, फैक्टर्स में से लेंगे तो 750 ही आएगा मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन प्लस या माइनस करने पे ये आना चाहिए। तो हम लेंगे कैसे, चलो ऐसे ले लेते हैं, पहले 2 ले लेते हैं, ठीक है, और इन सबको ले लेते हैं, 5 5 से 25 25 इंटू 5 125 125 इंटू 3, कितना होगा 375, ठीक है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स सी बात है कितना आएगा, 750 ही आएगा, लेकिन किसी भी हालत में अगर हमसे प्लस कर दें माइनस कर दें तो 55 तो आने वाला ही नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। अब इसको ऐसे कर लो, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया, बाकी नंबर कर दो मल्टीप्लाई, 5 5 25 125 125। अब देख लो, खुद देख दिख रहा है यहाँ पे, किसी भी हालत में उसको माइनस कर दो प्लस कर दो ये नंबर कभी नहीं आने वाला, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब ऊपर से 3 नंबर लेंगे, ठीक है, तो हमने लिया 3 इंटू 2 6 और 6 5 13, 30 और नीचे का 2 मतलब 25, ठीक है। अब क्या करा हमने, ऊपर के 3 नंबर, पहले हमने क्या करा, ऊपर का 1 नंबर लिया और नीचे बाकी के यहाँ पे नंबर ले लिए, तो नहीं आ रहा था। फिर हमने क्या करा, ऊपर के 2 नंबर ले लिए और बाकी के यहाँ पे ले लिए, तब भी नहीं आ रहा था। अब हमने क्या करा, ऊपर के 3 नंबर लिए हैं, तो कितना आ रहा है, 5 टू 10, 10 इंटू 3, 30 और नीचे कितने बचे, 25 है, मतलब 25। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑफकोर्स ही बात है 750 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो उसी के फैक्टर्स हैं, लेकिन
अगर आप इसे प्लस करो तो कितना आ रहा है, 20, 30, 50, 55 आ रहा है। अरे भाई तो आ गया है ना। मतलब हमें कौन से नंबर्स लेने हैं, हमें लेने 30 और 25। ठीक है, क्या लेना है हमें, 30 और 25। मल्टीप्लाई करके ये तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ भी x ले लेंगे, यहाँ भी x, क्योंकि एक्स स्क्वायर आना चाहिए ना। अब देखो एक्स स्क्वायर आ गया, आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके प्लस का 750 आना चाहिए, और प्लस से माइनस करके माइनस का आना चाहिए। इसको ऐड करेंगे तभी आएगा 55। देखिए तो माइनस है यहाँ पे, अगर यहाँ भी माइनस लगा दें और यहाँ भी माइनस लगा दें तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस का 55x। अगर हम प्लस करेंगे तो, सॉरी, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 750 x square, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, साइन प्लस कर जाता है, तो हम यहाँ पे लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस का 750 इक्वल टू ज़ीरो। तो पे x कॉमन लिया हमने, तो कितना बचा, x माइनस 30 माइनस का, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 25 कॉमन ले लिया हमने, तो x का माइनस का यहाँ पे प्लस का देगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है। ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, आप इसको अगर डिवाइड करोगे 750 को 225 से तो आपको 30 आएगा। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ब्रैकेट सेम आने चाहिए, ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं मतलब कोई मिस्टेक कर रहे हो आप। तो x माइनस 30 और सेकेंड वाले में x माइनस 25 इक्वल टू ज़ीरो रखोगे आप, दो बनाओगे, x माइनस 30 इक्वल टू ज़ीरो और x माइनस 25 इक्वल टू ज़ीरो। तो x इज इक्वल टू 30 और सेकेंड में x इज इक्वल टू 25। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको समझ में नहीं आया, सो दैट आई कैन नो कि मैं आपको समझा पा रही हूँ या नहीं पा रही हूँ, तो मैं एक न्यू वीडियो बना सकूँ उस पर। थैंक यू।